हेलो एवरीवन, अंडर 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल ही SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है। आप में से कई लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे, कई लोगों ने अभी अभी प्रिपरेशन चालू किया होगा। तो आज के सेशन में हम जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि किस अप्रोच से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि हमारे रिजल्ट बेटर आ सके, और जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन चालू किया है उनके लिए हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, आज के सेशन का हमारा डिस्कशन टॉपिक है SBI क्लर्क सिलेबस 2019। डिटेल इसका एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। चलते हैं हम हमारी पहली स्लाइड पर। यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का यहाँ पर पैटर्न देखो क्या है। प्रीलिम्स में हमें तीन सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स एंड रीजनिंग। ओके, इसमें से जिसमें इंग्लिश के मार्क्स रहेंगे 30 मार्क्स, क्वांट्स और रीजनिंग दोनों के मार्क्स रहेंगे 35 मार्क्स। ये तो रही बात प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में 100 के आउट ऑफ आपका स्कोर कैलकुलेट कर दिया जाएगा और आपके स्टेट वाइज जितने भी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग इसका कट ऑफ डिक्लेयर होगा और उसी हिसाब से कैंडिडेट्स सिलेक्ट करके मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। अब हम चलते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न पर। मेंस का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम चलते हैं तो आपके सामने है मेंस का एग्जाम पैटर्न। मेंस में हमें कुल 4 पेपर देने हैं, जिसमें से पहला पेपर है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, दूसरा पेपर है जनरल इंग्लिश, तीसरा पेपर है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड चौथा पेपर है हमारा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इनके अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन और वेटेज, मार्क्स के वेटेज की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से है। जनरल अवेयरनेस में हमें 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन एक मार्क का, यानी इसका वेटेज हो जाएगा 50 मार्क्स। यहाँ पर भी हमें सेक्शनल टाइम स्लॉट्स अलॉट कर दिया गया है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन के लिए हमें मिलेगा 35 मिनट्स का टाइम। इसके बाद हम आते हैं जनरल इंग्लिश पर। जनरल इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे 40 और उसके लिए मार्क्स होंगे 40, इसके लिए हमें टाइम मिलेगा 35 मिनट्स का। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इन दोनों सेक्शंस को हमें टाइम मिल रहा है 35 मिनट्स का। आते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, सो द ओवरऑल वेटेज फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन द मेंस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी द 50 मार्क्स, और इसके लिए हमें टाइम मिल रहा है 45 मिनट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम मिल रहा है 45 मिनट्स। ओके, अब हम बात करते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर के बारे में। अगर आप मार्क्स के वेटेज वाइज देखते हो तो सबसे ज़्यादा वेटेज इस पेपर का है जो कि रीजनिंग है। यहाँ पर हमें मिलेंगे 50 क्वेश्चंस और इनके लिए मार्क्स होंगे 60 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके मार्क्स अलग अलग, मतलब उनका वेटेज अलग अलग होगा, और इसी में भी रीजनिंग में भी हमें टाइम मिलने वाला है 45 मिनट्स का। ओके, तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ओवरऑल मार्क्स हो जाते हैं 200 एंड ओवरऑल टाइम पीरियड हो जाता है हमारा 2 hours and 40 minutes। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या है। प्री में हमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और यहाँ पर हमें 2 hours 40 minutes में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्री और मेंस, इनमें एक्चुअली सिलेबस और डिफ़िकल्टी लेवल क्या और किस तरीके से चेंजेस होते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जिन्होंने अभी फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट किया है उनको एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा। प्री में हमें देने हैं 3 सब्जेक्ट्स और मेन में हमें फेस करने हैं 4 सब्जेक्ट्स। आपका प्री का स्कोर जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, वो स्कोर आपका फाइनल सिलेक्शन तय करने में मैटर नहीं करेगा। आपका फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेंस के स्कोर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, जो भी आपने आपकी स्टेट फिल की है फॉर्म फिलअप करते वक्त, उसी स्टेट का कट ऑफ आपके लिए कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो बात रही कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। हम टॉपिक बाय सब्जेक्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं इंग्लिश, जो कि प्रीलिम्स है। स्लाइड आपके स्क्रीन पर है। इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इंग्लिश का इनडिविजिबल पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में आना ही आना है। ठीक है, छोटे छोटे 2 कॉम्प्रिहेंशन आ सकते हैं या फिर पूरा एक 10 मार्क के लिए कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है।
ओके। इसके बाद हमें मिलेंगे फिलर्स। फिलर्स में भी कुछ नए टाइप्स मिलते हैं, जैसे कि डबल फिलर्स मिलेगा, मतलब एक ही सेंटेंस में दो वैकेंट प्लेसेस दी जाएंगी, उसमें कौन सा वर्ड फिट होता है ये हमें वहाँ पे देखना होगा। ओके, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें दिया जाता है न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट। ओके, ये न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट क्या है? अगर हम SBI के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें लेटेस्ट पैटर्न से अपडेटेड होना ज़रूरी है। न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट क्या होता है कि एक, मतलब आपने अब तक क्लोज टेस्ट कैसा देखा है कि स्टेटमेंट में ब्लैंक्स दिए जाते हैं, उनमें कौन सा वर्ड फिट होता है ये देखना होता है। न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट में क्या होता है, वर्ड्स को हाईलाइट किया जाता है। ओके, और उस वर्ड को हमें देखना होता है कि वो वर्ड वहाँ पे सही इस्तेमाल हुआ है या फिर उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर प्लेस जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़ी जाएगी, वहाँ पर पहले से कोई ना कोई वर्ड दिया जाएगा, उसको सब्स्टिट्यूट करना है या फिर नहीं करना है सबसे पहले तो हमें यह तय करना है, फिर ऑप्शन में से जो भी ऑप्शंस रहेंगे उनको हमें चेक करना होता है। तो ये रहा न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट, इसके भी चांसेस हैं। इसके बाद हमें मिलता है फ्रेज रिप्लेसमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट मतलब कोई ना कोई हमें फ्रेज मिलेगी, उसको हमें रिप्लेस करना होगा। ओके, उसके बाद आता है और सेंटेंस आउट कम पैरा जंबल। पैरा जंबल के पैटर्न से हम वाकिफ है। पैरा जंबल में कन्वीनियंट जो भी कन्वेंशनल पैटर्न था वो क्या रहता है कि जनरली हमें 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उनको रीशफल करके एक हमें मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। ठीक है, पर पिछले कुछ सालों से इसमें चेंज क्या हुआ है, उन 5 में से एक सेंटेंस ऐसा रहेगा जो उस पैराग्राफ की थीम के साथ मैच नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले तो उस स्टेटमेंट को फाइंड आउट करके बाहर करना है, फिर जो स्टेटमेंट बचेंगे उनको आपको रीशफल करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। तो ये रहा ऑड मैन आउटकम पैरा जंबल। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कनेक्टर्स, फ्रेजल वर्ब्स, एरर डिटेक्शन, इन सब से आप वाकिफ हो। एरर डिटेक्शन जो कि ग्रामर बेस्ड पोर्शन आता है। इसके बाद आता है कि वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे सिनोनिम हो गए, एंटोनिम्स हो गए, जो कि हमें कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाएंगे। क्लोज टेस्ट अगर हम देखते हैं तो वो सारा का सारा वोकैबुलरी के ऊपर ही बेस्ड है। तो इंग्लिश का पेपर अगर यहाँ पर हम सिलेबस को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं तो बेसिक चीज़ों पर हमारी कमांड होनी चाहिए। वो बेसिक चीज़ें क्या है, कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने के लिए हमारा ओवरऑल इंग्लिश का परसेप्शन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एरर डिटेक्शन के लिए हमारा ग्रामर एकदम अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद क्लोज टेस्ट वगैरह जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारी कमांड वोकैबुलरी के ऊपर अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो वोकैबुलरी, ग्रामर प्लस ओवरऑल इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें अगर अच्छी है तो हमारा इंग्लिश सेक्शन डेफिनेटली अच्छा जा सकता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, वो है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में जैसे ही आप देख रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, पजल एंड सिटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है पजल का, एग्जाम कोई भी हो। आप क्लर्क के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो प्री में 35 में से कम, मैं कह रहा हूँ कम से कम 15-20 मार्क्स के लिए पजल्स ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पजल में बहुत सारे वेरिएशंस बनते हैं, इसका इन डिटेल डिस्कशन हम करते रहेंगे। ठीक है, तो पजल के ऊपर आपको कमांड अच्छे से रखनी है। पजल सेक्शन आपका जितना अच्छा रहेगा उतना आपका स्कोर रीजनिंग में अच्छा रहेगा, बात बिल्कुल कन्फर्म है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटीज, अल्फ़ाबेट नंबर सिंबल सीरीज। ठीक है, इस सीरीज़ के ऊपर 5 क्वेश्चन फिक्स आते ही आते हैं। क्लर्क का अगर एग्ज़ाम है तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ के ऊपर 5 क्वेश्चन फिक्स है। ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि हम इनके आंसर्स कम से कम समय में निकालें। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो रीजनिंग में पजल जैसा मैंने आपको कहा 15-20 मार्क्स के सिर्फ पजल्स ही आएंगी, और बाकी बचे हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स वो यहाँ पे रीजनिंग में आ जाएंगे। ठीक है, हम हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर हम देखते हैं तो जैसे पजल का वेटेज रीजनिंग में बहुत ज़्यादा होता है, वैसे ही क्वांट में DI का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्वांट का कोई भी एग्ज़ाम रहने दो, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन आना ही आना है। ठीक है, पिछले कुछ सालों का अगर हम चेंज ट्रैक कर रहे हैं तो यहाँ पर कैसलेट DI के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, और कैसलेट DI का क्वांटिटी थोड़ा हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कैसलेट DI एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई कन्वेंशनल DI है वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन।
क्लर्क का एग्जाम है, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मिनिमम 5 मार्क. क्या कह रहा हूँ, मिनिमम 5 मार्क, ये 5 से 10 मार्क तक भी इनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है. इसके बाद डेटा सफिशियंसी एंड मिसलेनियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स. डेटा सफिशियंसी मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन बस अलग फॉर्मेट में पूछा जाता है, हमें यहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन का आंसर नहीं करना होता है, बस जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है कौन सा नहीं है, बस ये चेक करना होता है, ठीक है. इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम आगे आगे डिटेल में डिस्कशंस करते रहेंगे. मिसलिनियस अरिथमेटिक में अगर हम देखते हैं तो कुछ चैप्टर्स हैं हमारे, जैसे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, HCF LCM है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम ऑन एजेस है, वर्क एंड टाइम है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम है, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, और वो सारे चैप्टर्स जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. तो ये रहा प्री का सिलेबस. तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले ये देखो कि इनमें से हमारा कौन सा टॉपिक अच्छा है और कौन से टॉपिक पे हमें अभी भी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है. सबसे पहले तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करो जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं. जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि एक एक टॉपिक लो, क्लर्क का एग्ज़ाम आने तक हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम एक एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. एक एक टॉपिक के कंसेप्ट्स क्लियर करते चलो और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है. तो ये रहा प्री के बारे में. आपको लगेगा, जब लग जाएगा आपको कि आपने प्री के सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लिए हैं और आपकी अच्छी खासी कमांड बन चुकी है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना चालू करना है ताकि आप ये जज कर सको कि हमारा प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ओके. तो ये रहा, दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स, सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, ठीक है. अब प्रीलिम्स में जो भी लोग क्वालिफाई होंगे, यानी जो भी वो कट ऑफ क्लियर करेंगे, उनको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा. एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं रखे गए हैं, ठीक है. इसमें कहाँ पर भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. अब हम आते हैं मेंस के सिलेबस की तरफ. मेंस में जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे. अब देखो, सिलेबस जो प्री के लिए डिस्कस किया था और मेंस के लिए आपके स्क्रीन पर है, वो सारा सिलेबस तो सेम है. मैक्सिमम टॉपिक्स आपको कॉमन लग रहे हैं, ठीक है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने प्री में देखा था, फिलर्स प्री में देखे थे, न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट ये भी हमने देखा था. बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्टी लेवल चेंज हो जाती है. और यहाँ पर क्लर्क का एग्ज़ाम अगर है, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि न्यू पैटर्न SBI है, तो इसमें इन्वेंशंस हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये बात हम मान के चल सकते हैं, ठीक है. इन्वेंशन मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आपने प्री में ही पढ़ी है क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर बनेगा, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला जाएगा, ठीक है. जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ पिछले साल के IBPS PO मेंस की, तो वहाँ पर क्या किया था, एक ही पैराग्राफ दिया था जो कि हमें इसमें दिया जाता है क्लोज टेस्ट में, ठीक है. और उसी में सारे क्वेश्चन पूछे थे, उसी में एरर्स पूछे थे, उसी में भी फिलर्स पूछे थे. तो ये एरर्स और ये जो फिलर्स था ये हमने पहले अलग अलग किया हुआ है, पर मेंस में क्या कर दिया, इसको कंबाइन कर दिया, है ना. प्री और मेंस में यही डिफरेंस होता है, जो हम पहले पढ़ते हैं उनको बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के हमें मेंस में दिया जाता है, और हमें यही चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है. और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे हर टॉपिक के बेसिक्स क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है. तो मेंस में क्या मैटर करता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए अगले सेक्शन की तरफ आते हैं, जो कि है हमारा रीजनिंग. रीजनिंग में आप जैसे कि देख पा रहे हो टॉपिक्स वही है, इनमें चेंजेस थोड़ा बहुत कहाँ पे हो जाता है, मेंस में एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि प्री में अब तक तो नहीं पूछे गए हैं. मेंस में कोडिंग डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट के कुछ अलग पैटर्न्स पूछे जाते हैं. अलग पैटर्न्स मतलब क्या, वो हमने पहले ही देखा हुआ है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, है ना. तो ये रहा रीजनिंग मेंस के बारे में. अगर आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि पज़ल के ऊपर आपकी कमांड बहुत तगड़ी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि पज़ल का वेटेज रीजनिंग में बहुत ज़्यादा रहता है. पज़ल के बाद एक सेक्शन जो मैक्सिमम स्टूडेंट इग्नोर करते हैं वो ये है एनालिटिकल रीजनिंग. एनालिटिकल रीजनिंग में चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोज ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट्स, है ना, ये चैप्टर्स आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में. और ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, इन चैप्टर्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि इनमें एक्यूरेसी नहीं बन पाती है एक सही अप्रोच के कमी की वजह से, ना. तो वो सही अप्रोच यहाँ पर एक बार देख लेना क्या है, और जिससे कि आपको एक्यूरेसी उसमें मिल सके.
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रीजनिंग। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर हम देखते हैं तो सिलेबस सारा फिर से वही है जो हमने प्री में देखा था, है ना। बस यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी चेंज हो जाए, है ना। जो क्वेश्चंस हम प्री में देख रहे हैं, जो सिलेबस हम प्री में देख रहे हैं, वही सिलेबस के ऊपर हमें मेंस में भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, पर डिफ़िकल्टी लेवल चेंज रहेगा। डिफ़िकल्टी लेवल का मतलब क्या है, देखिए एक चीज़ बहुत सीधे सीधे तरीके से हमें प्री में दे दी जाएगी और उसी के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डेटा को घुमाकर हमें मेंस में दिया जाएगा, है ना। तो मेंस और प्री में बस यही फ़र्क होता है। अगर हमें मेंस को अच्छी तरीके से करना है तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ, हमारे बेसिक्स एकदम अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस की तरफ। इसमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस पूछा जाएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस, गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है, पॉलिसीज़ है, जो भी रिलेटेड अभी रिसेंटली हुआ है उनके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, करंसी कैपिटल, ये तो आपको पता है, ठीक है। कोई अगर इंपॉर्टेंट समिट होती है वो कहाँ पे होती है, किस कंट्री में होती है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है स्टैटिक अवेयरनेस। स्टैटिक अवेयरनेस क्या है, स्टैटिक अवेयरनेस मतलब मान लो कि ये नदी है, ये नदी कौन कौन से स्टेट से जाती है, कोई पर्टिकुलर एक सिटी है वो कौन से नदी के बैंक पे है, है ना, तो ये रहता है। या फिर कोई सेंचुरीज है वो कौन से स्टेट में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। एयरपोर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि स्टैटिक अवेयरनेस के क्वेश्चन, मतलब इतना सारा स्टैटिक डेटा कैसे पढ़े। तो थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि ये जो सेंचुरीज या एयरप्लेन, ये जो कुछ भी है, ये जनरली उन्हीं चीज़ों से पिक किया जाता है जो रिसेंटली न्यूज़ में आ चुकी है, है ना। तो जनरल अवेयरनेस मैं देखता हूँ, एक टेंडेंसी ये भी देखता हूँ कि जनरल अवेयरनेस प्री में तो आता नहीं है, तो मैक्सिमम एस्पिरेंट क्या करते हैं, प्री क्लियर होने दो फिर जनरल अवेयरनेस का सोचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्री क्लियर होने के बाद हमें टाइम कम मिलता है और वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, है ना। जनरल अवेयरनेस मैक्सिमम स्कोरिंग सेक्शन हमारा हो सकता है मेंस में, अगर हम उसको पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बैंकर्स अड्डा का जो ऐप आता है उसमें डेली की इंपॉर्टेंट न्यूज़ चलती है वो तो आपको फॉलो करनी है, आप वो पढ़ोगे। उसके बाद करंट अफेयर्स का कुछ सर का शो रेगुलरली आता है, एडिटोरियल का एनालिसिस होता है, आप अगर वो फॉलो भी करेंगे ना तो आपका करंट अफेयर्स या जनरल, ये जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। बस मुझे ये कहना है, जनरल अवेयरनेस रेगुलरली प्रिपेयर करते रहो ताकि इस सेक्शन में से आप मैक्सिमम स्कोर कर सको, है ना, क्योंकि जितना स्कोर ज़्यादा रहेगा उतने सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, उसका सिलेबस क्या है और प्रिपरेशन कैसे करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, प्री और मेंस का प्रिपरेशन अलग नहीं होता है। कोई भी टॉपिक अगर आप चालू कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का, उस टॉपिक के सारे कंसेप्ट समझो और उसमें से जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो क्वेश्चन करो और उनको समझ के करो, ठीक है। आई होप आपके लिए ये सेशन बेनिफिशियल रहा होगा। आप में से कई सारे लोगों ने प्रैक्टिस तो पहले से कर रहे थे, और जो भी लोग कर रहे हैं वो और भी दमखम से प्रैक्टिस चालू करेंगे, ठीक है। तो जोर से तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, सारे सब्जेक्ट सारे कंसेप्ट समझकर प्रैक्टिस करना। आपका प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पे आ जाए तो मॉक टेस्ट देकर चेक करना कि हम सब सही समय में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू वंस अगेन।